नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। मैं हूं सुषमा पांडे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में, कैसे डायबिटीज़ हमारी डेली लाइफ पर असर डालता है और कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। ये सब बताएंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि टोटल केयर कंट्रोल डायबिटिक केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट हैं और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बात कर ले लीवर की, सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा अगर काम करती तो उसी ग्लैंड से होता है, बहुत से एंजाइम्स उससे निकलते हैं, बहुत सारे विटामिन्स वो फॉर्म करता है, उस पर कितना असर पड़ता है इस बीमारी का? जी, बहुत सवाल पूछा आपने। लीवर जो है, डायबिटीज़ अगर काफ़ी समय तक रहे, शुगर कंट्रोल ना हो, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो लीवर के अंदर चर्बी जमा होने लग जाती है, इसे हम बोलते हैं फैटी लीवर डिजीज़। जी, और ये समय के साथ बढ़ती रहती है, ख़ासतौर पे अगर शुगर बढ़ा रहे, कंट्रोल में ना रहे। जी, अगर ये बढ़ती जाए तो इसकी वजह से लीवर जो है, लीवर के सेल्स जिनको हेपेटोसाइट बोलते हैं, जो एक लीवर की यूनिट होती हैं जो काम करती हैं और शरीर में से टॉक्सिन निकालती हैं या कुछ सिंथेसाइज करती हैं, जैसे आपने बताया कुछ एंजाइम बनाती हैं और एक केमिकल फैक्ट्री की तरह होती हैं, ये ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि चर्बी और फैट जो इनके आसपास जमा हो जाता है, इनको मारने लगता है, ख़त्म करने लगता है। जी, उसकी वजह से बीमारी बढ़ने से पहले तो लीवर में सूजन आती है, फिर वो सूजन चली जाती है, फाइब्रोसिस होने लगता है और लीवर का साइरोसिस तक हो सकता है, जिसमें लीवर सिकुड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। जी, तो जी हाँ, डायबिटीज़ की वजह से लीवर की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जी, और ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। जी, और डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं, ख़ासतौर पे जिनकी डायबिटीज़ नियंत्रण में नहीं होती, उनकी जब खून की जांच करते हैं तो उसमें अक्सर SGPT, SGOT ये कुछ लीवर के दो एंजाइम होते हैं, बिलीरुबिन की मात्रा भी कम ज़्यादा हो सकती है। बिलीरुबिन की मात्रा पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, लेकिन जो लीवर से बनने वाले एंजाइम होते हैं, ख़ासतौर पे ये तीन एंजाइम जैसे SGPT या ALT और SGOT और GGTP करके कुछ एंजाइम होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। और अगर इनकी मात्रा बढ़ने लगे तो एक संकेत है कि लीवर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। हालांकि कुछ और वजह से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे लीवर की खराबी या परेशानी से ही बढ़ते हैं, तो तुरंत इसके लिए कुछ उपाय करना आवश्यक है। जी, अब इसके लिए क्या उपाय करें? जी, सबसे ज़रूरी और आवश्यक उपाय ये है कि खाने पीने पर नियंत्रण करें। बिल्कुल, जो आप चर्बी खा रहे हैं, जो आपके खाने के माध्यम से चर्बी जा रही है, जिस चीज़ में कोलेस्ट्रॉल है, तली हुई चीज़ें, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, देसी घी, इन सब की मात्रा खाने में बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें। जी डॉक्टर साहब, लीवर की बात हुई, जैसे कि आपने बताया कि केमिकल फैक्ट्री होती है, कई सारे केमिकल्स उसमें फॉर्म होते हैं। दूसरा ऑर्गन की अगर बात की जाए तो किडनी सबसे अहम ऑर्गन है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम किडनी से होता है। जितने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, वो फिल्टर होते हैं, पानी को भी ये रोकता है। कितना असर किडनी पर पड़ता है इस बीमारी का? जी, किडनी की कॉम्प्लिकेशन एक डायबिटीज़ की बहुत ही ख़तरनाक और महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन होती है। हम क्यों बोलते हैं मरीज़ों की आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखिए, शुगर कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो अंततः यही सबसे भयंकर कॉम्प्लिकेशन है। इसको हम एक माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर किडनी की जो फिल्ट्रेशन की यूनिट है, जिससे फिल्टर होता है और रीअब्जॉर्ब होता है, जो किडनी के काम करने वाली यूनिट है, वो ख़राब हो जाती है। जी, वो ख़राब होने से जो टॉक्सिन होती हैं, जी, या जो ख़राब चीज़ें जो खून से होती हैं, जो किडनी बाहर निकाल के पेशाब के जरिए बाहर निकालता है, वो निकालना बंद कर देता है और वो शरीर में, खून में एक्यूमुलेट होने लगती हैं। इसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, इस बीमारी को नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और इसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि किडनी काम नहीं करती है, डायलिसिस करना पड़ता है, कुछ समय तक वो फ़ायदा करता है, उसके बाद जब वो भी फ़ायदा नहीं करता तो फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या किडनी बदलनी पड़ती है। अगर किडनी की कॉम्प्लिकेशन किसी को है तो उसी के साथ साथ एक चीज़ और ये देखना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की आँख की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, आँख की रोशनी बिल्कुल चली जाती है और आदमी आँख से देख नहीं पाता, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है, इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आँखों का पर्दा वो चीज़ है जो लाइट को सेंस करता है। लाइट आँखों के पर्दे पे जाके पड़ती है तो वो फिर इमेज क्रिएट होती है और फिर वो दिमाग के अंदर तक जाती है, तब हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं। तो ये जो आँखों का पर्दा है, ये जो कैमरे की फिल्म है, वही ख़राब हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से।
तो ये एक बहुत ही भयंकर कॉम्प्लिकेशन है। जो भी हम डायबिटीज़ का मापदंड लेते हैं कि डायबिटीज़ किस चीज़, कौन सी दवाई से ठीक होती है नहीं होती है, कौन सा डायबिटीज़ का लेवल सही होता है नहीं होता, वो हम यही देख के देखते हैं कि कितनी डायबिटीज़ बढ़ने के बाद आँखों की ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी आँखों की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पर्दा ख़राब हो जाता है, ये बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशन होती है आँखों में। इसके अलावा और भी कुछ समस्या हो जाती है जो डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा होती हैं। इस पर भी डॉक्टर साहब बात करेंगे। इस बीच हमारे एक व्यूअर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से रवि जुड़ गए हैं। रवि पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है ये आनुवांशिक होती है अगर आपके माँ बाप में है, तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं घरेलू उपचार कि इन सब से बचा जा सके? जी जी। और खासतौर पर जो मोटापे से पीड़ित हैं, मतलब ज़्यादा मोटापा है जिनके पास। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कैसे इससे बचा जा सके। आपने सही कहा कि ये आनुवांशिक बीमारी है। अगर आपके परिवार में, अगर आपके खून से संबंध रखने वाले कोई रिश्तेदार हैं उनको है तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। इससे बचा कैसे कैसे जा सके, इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपना वजन नियंत्रित रखें। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपने वजन को कम करें, अपने खान पान पे ध्यान रखें, फास्ट फूड ना खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, मीठा चीनी कम खाएं और हरी सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा करें। फिजिकली एक्टिव रहें, रोज़ कुछ एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, दौड़ें, स्विमिंग करें, जो भी आपको एक्सेसिबल हो, जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना वजन कम करें। जो चीज़ हमें पता है जिस चीज़ से शुगर को रोका जा सकता है वो यही है जी। और अगर आपके पूर्वजों में किसी को डायबिटीज रही है तो समय समय पर शुगर की जाँच भी कराते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम से आर के शुक्ला जी जुड़ गए हैं। शुक्ला जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम नमस्कार, मैं रतलाम से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। डॉक्टर केसरी जी से मुझे पूछना था कि मुझे पिछले 3 साल से शुगर है जी, और मैं अभी मैं एक वो टेस्ट होता है HbA1c, कौन सा टेस्ट होता है केसरी साहब, ब्लड शुगर के लिए जी, और उसकी मैंने जांच कराई थी तो मुझे 10.2 आई थी ब्लड शुगर, और मैं एमरिल करके एक टेबलेट आती 3 mg का वो ले रहा हूँ, उससे मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं है जी। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए अगर आपका HbA1c 10.2 आ रहा है और एमरिल 3 ले रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उससे कंट्रोल होगा भी नहीं। और ये तो उसी को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कुएं में छलांग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं बच जाएंगे। नहीं, आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट प्रॉब्ली आपको डॉक्टर्स ने कहा भी होगा अगर 10 से ऊपर HbA1c चला जाए तो ये ADA की गाइडलाइन है कि इंसुलिन शुरुआत में ही आवश्यक हो जाता है। एमरिल जो आप दवाई लेते हैं वो ये काम करती है कि पैनक्रियाज को निचोड़ के उसके अंदर से इंसुलिन निकालती है, लेकिन वो तब निकलेगी जब आपकी पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की कुछ क्षमता होगी। जिस प्रकार से आप हमें बता रहे हैं आपकी पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता एकदम न्यूनतम हो गई है, वो 0 के बराबर है, ये इंसुलिन नहीं बन रही है, तो आप उसको जितना मर्जी निचोड़ लें, आप गीला तौलिया लेके निचोड़ें तो उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन अगर आप सूखे तौलिया को निचोड़ें तो वो तौलिया ही ख़राब होगा, उसमें से पानी नहीं निकलेगा। और आप एमरिल या ऐसी किसी दवाई का नाम नहीं थे, ग्लाइमिपराइड दवाई है जो सॉल्ट है, और ये ग्लाइमिपराइड दवाई कुछ हद तक फ़ायदा करती हैं, उसके बाद अगर शरीर में इंसुलिन नहीं बनती तो ये फ़ायदा नहीं करती, और इसकी जगह इसके साथ साथ इंसुलिन लेना आवश्यक है। एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आता है जो आप ले सकते हैं, ये चिकित्सा की बात है, चिकित्सा का विषय है, तो आपके डॉक्टर जो आपके नियरेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हों उनको किसी को दिखाइए, वो आपको सही बताएंगे, लेकिन आपके लिए इस समय इंसुलिन लेना आवश्यक है। और बहुत अच्छी इंसुलिन आती है जो आपको दिन में केवल एक बार लेनी होगी अपने निर्धारित समय पर, और वो लेने से आपकी शुगर मोस्ट प्रोबेबली कंट्रोल हो जाएगी, उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, और उसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन शुगर बढ़े रहने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी हमने बात की, जैसे नेफ्रोपैथी, गुर्दों की बीमारी, आँखों की बीमारी, ये सब होती हैं, और 10 HbA1c आपका काफ़ी ज़्यादा है।
इसको नियंत्रण करने के लिए कोई गोली अभी नहीं है, इसको नियंत्रण करने के लिए केवल इंसुलिन ही है। तो अगर आपके डॉक्टर कहें तो अवश्य लीजिएगा। शुरुआत में आप दिन में एक बार ग्लार्जिन इंसुलिन से कर सकते हैं।